हेलो एवरीवन, आज मेरे किचन में बनने जा रहे हैं अप्पे। आप ये अप्पे के मोल देख सकते हैं। और ये मेरी बेटी के डिमांड पे बनना है। लेकिन ये क्या, मैं तो बेकिंग से रिलेटेड सामान लेकर आ रही हूँ, तो आज मैं बनाऊँगी अप्पे, बट चॉकलेट अप्पे। इसके लिए हम बोल में लेंगे ऑयल और साथ में डाल देंगे इसमें शुगर पाउडर 3/4 कप। दही डाल देते हैं इसमें 1/2 कप और सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और ये देखिए, मेरी बेटी भी साथ में आ गई है। उसको इतना एक्साइटमेंट है ना देखने का कि मैं भी आपके साथ काम करती हूँ। साथ में वनीला एसेंस डाल देते हैं 1/2 चम्मच और उसको भी डालना है। ये देख लो मम्मी, मेरे को भी दो, क्योंकि उसके समर वेकेशन चल रहे हैं। बेचारी वो भी क्या करे, तो साथ साथ वो भी मेरी लगी हुई है काम करने में। तो उसको अच्छे से हमें बीट कर लेना है, फेंट लेना है। अब डाल देंगे इसमें कोको पाउडर 1/3 कप जितना, और ये सेमी स्वीट है, तो साथ में हम अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर देंगे। अब हम अप्पे के मोल्ड में ऑयल को ग्रीस कर लेते हैं बहुत अच्छे से। और अब ये ले लेते हैं व्हीट फ्लोर, मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप। चाहे तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे हेल्दी बनाने के लिए व्हीट फ्लोर लिया है। अब डाल देंगे इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो बेकिंग पाउडर हम डालते हैं 1 चम्मच के बराबर, नाप कर एकदम 1 चम्मच के बराबर हम डालेंगे। साथ में इसमें डाल देते हैं हम बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा डाल देंगे 1/2 चम्मच, जिसे बड़े ही अच्छे अप्पे बनेंगे। और अब हम इसको इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट देने के लिए, मतलब थोड़ा सा अच्छा इसका टेस्ट हो जाए, इसके लिए हम डाल देते हैं नमक। थोड़ा सा नमक डालेंगे 1/4 चम्मच जितना, और सबको अच्छे से हमें छान लेना है। जो हमने वेट वाला मिक्सचर बनाया था उसमें हम छान लेंगे और धीरे धीरे करके इसको मिक्स करेंगे। तो अब हमें थोड़ा सा इसका बैटर जो है ना पतला बनाना है, तो हम दूध डालेंगे इसमें। तो दूध आप अपने ना अकॉर्डिंग डालें, जितना आपको लगता है कि पतला बैटर बनाना है। तो मैंने यहाँ पे 3/4 कप के आसपास दूध डाला है और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का हमें बैटर बनाकर तैयार करना है। बैटर बन चुका है, ये देखिए घनास है। और यहाँ पर मैंने कुछ डेयरी मिल्क लिए हैं। घनास जो हमने बनाया ना, वो एकदम ठीक बना है, मतलब चॉकलेट ज़्यादा है और क्रीम कम है। तो अब हम अप्पे के मोल्ड में थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। मैंने एक्चुअली ना थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था, इसकी वजह से जो अप्पे है ना वो थोड़े ऊपर आ गए थे। अब इस बैटर में हम घनास को डाल देते हैं और सब में डाल देंगे, ताकि जब वो पके तो अंदर से एकदम चॉकलेटी सा लगे अप्पे खाने में, तो बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरे वाले मोल्ड में हम डेयरी मिल्क को डाल देते हैं। और यहाँ मेरी बेटी फिर से चालू हो गई है काम पे। सारे में अच्छे से हम फिल कर देंगे और उसके बाद हमें बैटर से उसको कवर कर देना है, ताकि जब हम खाएं तो एकदम अंदर से गुई गुई सा लगे खाने में और एकदम चॉकलेटी सा लगे वो। तो देखिए, इस तरह से करके हमने पूरे को कवर कर दिया है ऊपर से, और थोड़ा सा चोको चिप्स स्प्रिंकल कर दिया है, तो थोड़ा सा ये ऊपर में भर चुका है। और अब हम इसको गैस पे चढ़ाने वाले हैं, तो हम गैस पे बनाएंगे, एकदम लो फ्लेम करके बनाना है, ताकि ये जले ना नीचे से। अगर आपका ये जलने लगे तो आप इसके नीचे तवा रख दीजिए और तवे के ऊपर इसको रख दीजिए, उसके बाद आप बना सकते हैं। कोई पतला सा अगर तवा हो आपके पास तो, और ढक दीजिए इसको। तो 10 मिनट के लिए हमको इसे पकाना है, बेक करना है। तो ये देखिए, एक जो हमारा अप्पे है वो बनकर तैयार है, और दूसरा वाला जो अप्पे मोल्ड है ना, वो एक्चुअली ख़राब निकला था। उसमें बैटर जाकर सारा चिपक गया, और जिसकी वजह से वो बिल्कुल ख़राब हो गया। मुझे आइडिया नहीं था, मैंने बिल्कुल न्यू उसको यूज़ किया था। लेकिन ये देखिए, जो अप्पे मैंने बनाए थे ये बहुत ही अच्छे से निकल कर आया था, और ये बहुत ही बढ़िया अप्पे बनकर तैयार हुआ था। तो बहुत ही ईजी वे में आप घर में इस तरह से चॉकलेट मोल्ड में डालकर आप अच्छे से अप्पे बना सकते हैं, चॉकलेटी अप्पे। और मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये खाने में, और मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ। एक्चुअली ये बहुत अच्छा बना था, एकदम से बिल्कुल चॉकलेटी चॉकलेटी था। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।